इस देश ने एक ऐसा भी वक्त देखा है 80s और 90s के डेकेड में जब ये भारत देश पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम की चपेट में आ चुका था। 90s का वो डेकेड जब महाराष्ट्र और मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्री यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज क्राइम से पूरी तरीके से परेशान थे, जिसे हम लोग टर्मिनोलॉजी देते हैं अंडरवर्ल्ड। जी हाँ, आज जो अंडरवर्ल्ड आपको काफी हद तक अपने लोएस्ट पॉइंट पे देखने को मिलता है, एक वक्त था महाराष्ट्र और मुंबई में 80s और 90s के डेकेड में जब वो अपने पीक पर होता था और ये अंडरवर्ल्ड एक तरीके से पूरी ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह ही काम करता था, जिसमें आपको एक्सटॉर्शन, मर्डर्स, इलीगल ट्रैफिकिंग, चाहे वो ड्रग्स की हो, आर्म्स एम्युनेशन की हो, ये अंडरवर्ल्ड की कहानी पूरी तरीके से आपको 80s और 90s में देखने को मिलती थी। और आज की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में भी बनी हैं जहां पर इस अंडरवर्ल्ड को दिखाया भी गया है, लोगों के सामने दर्शाया भी गया है। नेगेटिव एस्पेक्ट ये देखने को मिलता है कि कई बार ये जो अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन जो एक वक्त पर मुंबई पर राज किया करते थे और लोग और सरकार और पुलिस सभी इनसे परेशान थे, आज उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है, ग्लैमर के तरीके से दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं यूथ इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर और इन्फ्लुएंस होकर उसी गलत रास्ते की तरफ चल पड़ता है, लेकिन जो भुगतान उन्हें देना पड़ता है वो उनकी जान का ही होता है। तो आज के इस वीडियो में अंडरवर्ल्ड की भारत में क्या कहानी रही है, कौन से ऐसे बड़े डॉन रहे हैं अंडरवर्ल्ड के जिन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा परेशान किया, ऑर्गेनाइज क्राइम की नई परिभाषाएं हमारे सामने रखी, इन सभी चीजों को डिटेल में और आसान भाषा में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन इस ऑर्गेनाइज क्राइम के टॉपिक को हम लोग समझे उससे पहले, यहां पर चहल एकेडमी आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए दशहरे के अवसर पर एक सुनहरा मौका लेकर आई है। और वो एस्पिरेंट्स जो पैसे की कमी की वजह से या रिसोर्सेज कम होने की वजह से यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक करने का अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे थे, चहल एकेडमी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यहां पर एक मौका लेकर आई है स्कॉलरशिप के नाम पर। और अगर आप अपनी यूपीएससी की पढ़ाई प्रीलिम्स, मेंस, डिटेल में आसान भाषा में विद द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन जो मोड है चहल एकेडमी का वो सिर्फ 49,999 रुपीस में, और इन्हीं क्लासेस के जो रिकॉर्डेड एक्सेस है वो 19,999 रुपीस में आपको देखने को मिलते हैं। बस आपको करना ये है कि इस कोड का इस्तेमाल आपको करना है, दैट इज DUSS50, और सीधे सीधे आप यहां पर स्कॉलरशिप के हकदार होंगे और जल्द से जल्द आप अपने यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो जब हम लोग यहां पर अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं तो अंडरवर्ल्ड कोई एक इंडिविजुअल यूनिट नहीं है क्राइम की, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो अम्ब्रेला स्कीम हमें देखने को मिलती है उसके अंडर काम करने वाला एक और क्राइम है। जब ऑर्गेनाइज क्राइम की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा गैंगस्टर और माफिया के बीच में। गैंगस्टर्स वो होते हैं जो सड़क पर लड़ाई करते हैं गुंडों की तरह, काफी अनऑर्गेनाइज्ड वे में, लेकिन इन गैंगस्टर्स को कंट्रोल करने वाले लोगों को हम लोग कहते हैं माफिया। और इनका क्राइम का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कई बार सरकार के काम करने के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से भी बेहतर देखा गया है, और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाता है जब 0 से लेकर 100 तक क्राइम किस स्टेज में, किस स्टेप में, किस तरीके से किया जाएगा, जब ये हायरार्की सेट कर दी जाती है जिसमें आपको ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स एंड एम्युनेशन ट्रैफिकिंग, चाहे वो एक्सटॉर्शन हो, किडनैपिंग हो, मर्डर्स हो, ये सारी की सारी चीजें आपके ऑर्गेनाइज क्राइम में आपको देखने को मिलती हैं। और इन बहुत सारी ऑर्गेनाइज क्राइम में एक ऑर्गेनाइज क्राइम आपको और देखने को मिलता है इंडिया जिसका बहुत बड़ा शिकार रह चुका है, जिसे हम लोग अंडरवर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग यहां पर जितने भी बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री में, उन सभी को एक एक करके सबके बारे में जानेंगे और सबकी परतें देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंडरवर्ल्ड को इंडिया में और इंडिया के आसपास के देशों में सबसे ज्यादा फेमस करने वाला दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम यहां पर इतना बड़ा जो डॉन है या एक तरीके से अब तो टेररिस्ट की डेफिनेशन के अंदर आता है, वो इसलिए बना क्योंकि दाऊद इब्राहिम का नाम सीधे सीधे 1993 में जो बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसे हम लोग ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जानते हैं, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। ऐसा कहा जाता है कि ये एक तरीके का रिएक्शन था, एक तरीके का रेवेंज प्लान था बाबरी मस्जिद के 1992 के डिमोलिशन के बाद, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद का यहां पर डिमोलिशन किया गया तो दुनिया भर के मुस्लिम देशों में इस तरीके की सूचना गई, इस तरीके की बात गई कि भारत में रहने वाली जो माइनॉरिटीज हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और यहां पर सरकार को एक वो बदले के तौर पर दिखाना चाहते कि अगर आपने माइनॉरिटी को सुरक्षित नहीं रखा तो इंडिया एक्चुअली कुड बिकम अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। और ये उसके रेवेंज के तौर पर 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिलता है, और ये डोमिनो इफेक्ट चलता ही रहता है क्योंकि इस ब्लास्ट के बाद हमें 1993 में मुंबई में बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम्स के दंगे यानी राइट्स भी देखने को मिलते हैं।
अगर हम लोग दाऊद इब्राहिम की क्रिमिनल एक्टिविटीज की हम लोग बात करें तो दाऊद इब्राहिम सारी के सारे क्रिमिनल एंटरप्राइजेस, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग का हो, एक्सटॉर्शन का हो, टेररिज्म का हो, हर तरीके से यहां पर बेसिकली इन्वॉल्व थे। एक वक्त पर इन्होंने छोटी सी चोरी करके अपना करियर शुरू किया था इलीगल एक्टिविटीज में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये टेररिज्म की डेफिनेशन तक पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि आज की तारीख में पाकिस्तान में कराची में इनको शरण मिली हुई है, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का यहां पर बहुत बड़ा हाथ है। अब आते हैं हम लोग छोटा राजन की तरफ। छोटा राजन एक वक्त पर दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड माने जाते थे, जो सबसे करीबी थे दाऊद इब्राहिम के, लेकिन कुछ वजहों से इन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच में हमें देखने को मिलता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्रिएट हो जाती है। और एक वक्त पर वो आदमी जो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड माना जाता था छोटा राजन, एक वक्त के बाद वो दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा जो राइवल है वो बन जाता है, और वो अंडरवर्ल्ड में अपनी एक नई गैंग खड़ी कर लेता है। और ये भी सेम तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इन सारी की सारी चीजों में यहां पर देखने को मिलता है। 2015 में छोटा राजन को इंडोनेशिया से अरेस्ट किया गया था और फिर बाद में इंडिया इन्हें लाया गया था, और अलग अलग तरीके के जो केसेस हैं छोटा राजन पर चले, और आज भी बहुत सारे केसेस और पूछताछ इन्वेस्टिगेशन चालू हैं। अब बात करते हैं हम लोग हाजी मस्तान की। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में अंडरवर्ल्ड शुरू करने का जो बेसिकली क्रेडिट जाता है वो हाजी मस्तान को जाता है, क्योंकि 70s और अर्ली 80s के डेकेड में हाजी मस्तान ने इंडिया में स्पेशली महाराष्ट्र और मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत की थी। इनकी पर्सनालिटी को काफी ज्यादा करिज्मेटिक कहा जाता था, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में भी इनके बहुत सारे जान पहचान थे। कई फिल्मों में जो ब्लैक मनी इस्तेमाल किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ऐसा कहा जाता है कि कई फिल्मों में इनका जो ब्लैक मनी है वो यहां पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये शामिल थे, जिसमें आपको ड्रग स्मगलिंग से लेकर किडनैपिंग से लेकर इसके अलावा मर्डर्स, अलग अलग तरीके की चीजें आपको सेम इसमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग डॉन की बात करते हैं तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अंडरवर्ल्ड के पहले हिंदू डॉन थे। अगर आप नोटिस करें तो बाकी आपको जो डॉन है वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए देखते हैं, लेकिन अरुण गवली आपको यहां पर पहले हिंदू डॉन देखने को मिलते हैं, जिन्हें प्यार से उनके जो आसपास के लोग थे वो डैडी के नाम से जानते थे। अब यहां पर अरुण गवली भी एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, मर्डर्स, इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे, लेकिन इन्होंने जो अपनी इमेज बना रखी थी वो इमेज इन्होंने बेसिकली रॉबिनहुड किस्म की बना रखी थी, यानी कि ये जो क्राइम करते हैं वो अमीर लोगों के अगेंस्ट में करते हैं, लेकिन उससे जो ब्लैक मनी आता है वो बेसिकली इसको गरीबों में बांटते हैं। तो लोकल लेवल पे यानी कि मुंबई की गरीब झुग्गी झोपड़ियों में हमें इनका सपोर्ट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो इमेज है वो रॉबिनहुड की तरह काफी हद तक बना ली थी। अब आते हैं हम लोग टाइगर मेनन पर। दाऊद इब्राहिम के साथ टाइगर मेनन का भी यहां पर नाम जोड़ा जाता है। जब हम लोग 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट की बात करते हैं, इन्होंने भी बेसिकली अपनी शुरुआत जो है वो छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज चोरी करने से की थी, लेकिन आज हम इन्हें बेसिकली टेररिस्ट की तरह देखते हैं। और UAPN 1967 यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत यहां पर इनपे अनगिनत अनेक केसेस यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहां पर ये पूरी तरीके से बेसिकली दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में जिसका भी नाम सामने आया था उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन हमें यहां पर दाऊद इब्राहिम से मिलता हुआ दिखता ही है। और ये बेसिकली अभी तक इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़े वांटेड क्रिमिनल रहे हैं। लेकिन ये जो बेसिकली आपका अंडरवर्ल्ड है जो इंडिया में लोकल लेवल पे काम कर रहा था, सिक्योरिटी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा खतरनाक था ही, लेकिन जो सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट्स हैं वो इसके बहुत ज्यादा खतरनाक देखने को मिले थे। कई बार तो ऐसा कहा जाता है, इस तरीके से मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि ये जो सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट है नेगेटिव, लेकिन उन्हें पॉजिटिव तरीके से दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यह कहा जाता था कि ये जो अंडरवर्ल्ड है ये बेसिकली जॉब क्रिएट करता है। अब ये सारी की सारी जो जॉब है ये एक्चुअली में जॉब नहीं है, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज है, लेकिन जॉब क्रिएशन करता है ऐसा मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जाता था। इलीगल इकोनॉमी यहां से बहुत ज्यादा चल रही थी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, चाहे आप ट्रैफिकिंग करें, चाहे आप एक्सटॉर्शन करें या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करें, तो जो पैसा जो बेसिकली आपके पास आ रहा है वो तो कैश में ही आ रहा है, और वो सारा का सारा आपका ब्लैक मनी है। यानी इलीगल इकोनॉमी एक तरीके से पैरेलली जो है यहां पर चलती रहती है। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम हियर। और लोकल कम्युनिटीज पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो उस शहर में रहने वाले मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं जिनका इस ऑर्गेनाइज क्राइम से किसी भी तरीके का वास्ता नहीं है और वो बड़े सीधे साधे तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं, उनकी जान को हमेशा यहां पर हमें खतरा देखने को मिलता है। अब अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो अंडरवर्ल्ड के नाम पर, तो सीधी सी बात है
कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या ऑफिसर्स हैं या लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव या सरकार या उसके मंत्री या एमपी या एमएलए, वो आपके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सरकार जिस दिन चाहे उस दिन अंडरवर्ल्ड को खत्म कर सकती है। ये 3 दशकों का जो हमें अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा हमें जर्नी देखने को मिला इंडिया में, इसमें कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस थे वो इन्वॉल्व थे। अब यहां पर अगर पॉलिटिशियंस ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ इन्वॉल्व है तो करप्शन तो होगा ही, क्योंकि ब्लैक मनी तो यहां पर इन्वॉल्व है ही। अब अगर आप करप्शन करेंगे तो हर चीज में बेसिकली आप करप्शन करते हैं, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड डॉन सरकार के द्वारा दिए गए ठेकों पर भी पैसा कमाते हैं, चाहे वो रोड बनाने का ठेका हो, चाहे वो कोई ब्रिज बनाने का ठेका हो। यानी कि जो करप्शन इससे पैदा हो रहा है उसका डायरेक्ट शैडो हमें यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें नेगेटिव तरीके से देखने को मिलता है। अर्बन डेवलपमेंट यहां पर रुक गया था, क्योंकि अगर आपके शहर में सिक्योरिटी ही नहीं है तो आप डेवलपमेंट किसी तरीके का नहीं करवा सकते। सरदार पटेल ने इंटरनल सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस करते वक्त 1950 से पहले यह कहा था कि अगर आपको किसी रीजन को, किसी स्टेट को, किसी देश को, किसी शहर को, किसी गांव को डेवलप करना है तो उससे पहले आपको उस पर्टिकुलर क्षेत्र की सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर आपका शहर सेफ ही नहीं है तो डेवलप्ड तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम यह है कि यूथ इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ एक वक्त पर, आज भी होता है, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो इन डॉन्स की लाइफ पर फिल्म बनाते हैं और उनको एक तरीके से ग्लैमराइज करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो यूथ है वो बहुत बुरी तरीके से भटकता है और बेरोजगारी की मार झेल रहा यूथ इस तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइज क्राइम के इकोसिस्टम में शामिल हो जाता है। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी और इंडिया किस तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम के इकोसिस्टम से बाहर निकला है और कैसे डेवलपमेंट कर रहा है। इसके लिए हमें भारत का जो ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्ट्री है वो जानना जरूरी है, और आप चाहते हैं कि अगर हर कोई भारत की इस ऑर्गेनाइज क्राइम को हिस्ट्री को जाने तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।